अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमान भाइयों और बहनों, हम हदीस पाक का एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ सुन्नी आलिमों का तर्जुमा होगा। तो इस एप्लीकेशन को बनाने में हर महीने हमको 30,000 रुपये का ख़र्चा आ रहा है। तो अगर आप इस काम में हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमें तआवुन करें। हेलो हेलो हाँ हेलो अब्दुल गफ़ार सल्फी साहब जी। शेख साहब, एक मसला आया था कि रोजे में जो इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे रोजा टूट जाता है या रोजा रहता है? ताकत का इंजेक्शन लगा रोजा टूट जाएगा, नॉर्मल इंजेक्शन रोजा नहीं टूटेगा। क्या क्या बोले? ताकत का इंजेक्शन लगाने तो रोजा टूट जाएगा, नॉर्मल से नहीं टूटेगा। अच्छा, तो इसकी कोई हदीस में मतलब दलील मिलती है क्या? असल में हदीस में दलील का मसला नहीं है, मसला ये है कि ताकत के जो इंजेक्शन होता है ना, वो गिजा का काम करता है, ठीक है? इसलिए उससे रोजा टूट जाएगा। हदीस अगर मिलती तो अच्छा रहता क्या ना, क्या अहले हदीस तो सिर्फ हदीस पर अमल करते हैं ना। क्या अहले हदीसों के लिए किसी मौलवी की बात हुज्जत थोड़ी है? किसी मौलवी की बात हदीस के खिलाफ मिले तो हम उसको, हमारे जो संडास होते हैं ना उसके ऊपर दे मारेंगे, दीवार पे नहीं, हम संडास में दे मारेंगे उसके बाद तो। हदीस बताइए। ऐसा है कि आप जैसे जाहिलों से बात करने का मेरे पास वक्त, हदीस दे दीजिए, हदीस हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन हजरत, अभी एक बहुत बड़ा नमूना नमूदार हुआ है, उसने एक फाउंडेशन कायम किया है और उस फाउंडेशन के नाम पर वो चंदे की अपील कर रहा है और वो ये कह रहा है कि मेरे इस फाउंडेशन का माहाना खर्चा 30,000 रुपये है, लिहाजा लोग इस फाउंडेशन की मदद करें। मकसद क्या है? मकसद ये है कि लोगों के सामने दीन की दावत पेश की जाए, जबकि इस फाउंडेशन का मकसद, जैसा कि उसकी गुफ्तगू से वाज़ह है, कि दावत दीन नहीं बल्कि अहले हदीसों को बुरा भला कहना है। मैंने एक क्लिप सुनी, उसमें उसने शेख अब्दुल गफ्फार सलफ़ी बनारसी हफ़िज़हुल्लाह को फ़ोन किया और फ़ोन पर यह पूछा कि मौलाना ये बताइए कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट जाता है या रोज़ा बाकी रहता है? तो शेख ने बड़ा मुख्तसर और जामे जवाब दिया कि अगर ये इंजेक्शन तग़ज़िया के लिए है, ग़िज़ा के लिए है, तो रोज़ा टूट जाएगा, और दवा के लिए है तो रोज़ा बाकी रहेगा। जवाब बहुत ही मुख्तसर और बड़ा ही जामे है, लेकिन ये नमूना इस बात पर मुसिर था कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट जाता है अगर वो ग़िज़ा के लिए है, और रोज़ा नहीं टूटता अगर वो दवा के लिए है। तो इस इंजेक्शन के ऊपर कोई हदीस लाइए। अब बताइए इस जहालत का क्या जवाब है? कोई भी अक्ल वाला ये कह सकता है कि मुसल्लमात पर बहस नहीं होती, जो चीज़ मुखालिफ भी मानता है और हम भी मानते हैं, यानी फरीकैन किसी बात पर मुत्तफिक हैं, तो इस इत्तेफाक के ऊपर बहस नहीं होती, गुफ्तगू नहीं होती। अब बताइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ड्रग नहीं था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गांजा नहीं था। अब कोई ये पूछे कि ड्रग हलाल है या हराम है, गांजा हलाल है या हराम है, कोई भी ये कहेगा कि गांजा हराम है, इसी तरीके से ड्रग भी हराम है। क्यों? इसलिए कि इसके अंदर नशा पाया जाता है, और हम ये देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शराब मौजूद थी और शराब के अंदर नशा यानी इसकार होने की वजह से शराब को हराम करार दिया गया। अब वही इल्लत जो इल्लत हुरमत थी शराब में, वही इल्लत गांजे के अंदर भी और ड्रग के अंदर भी पाई जा रही है, लिहाजा वही हुक्म यहाँ भी लगा दिया जाएगा। इसलिए कि अगर इल्लत में इश्तराक है तो हुक्म में भी इश्तराक होगा। ये तो एक पागल आदमी भी बोल सकता है, एक बच्चा भी ये बात कह सकता है। इसी तरीके से मैं ये पूछता हूँ कि अगर आदमी मुंह से पानी पी ले तो रोज़ा टूटेगा कि नहीं? जाहिर है कि रोज़ा टूट जाएगा, और मुंह से पानी पीना ये आदत है। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई आदमी नाक से पानी पी ले तो? नाक से पानी पीना ये आदत नहीं है, लेकिन नाक से भी अगर पानी पी लेगा तो रोज़ा टूट जाएगा। दलील दलील इब्न खुज़ैमा की वो हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व बालिग फिल इस्तिंशाक इल्ला अन तकूना सौइमन, रोज़े की हालत में इस्तिंशाक मत करो, यानी नाक में दूर तक पानी मत चढ़ाओ, मबादा वो पानी तुम्हारे पेट में चला जाए। और पानी अगर पेट में चला गया तो ये तग़ज़िया है, ग़िज़ा है, जिसकी वजह से तुम्हारा रोज़ा टूट जाएगा। तो पानी अगर मुँह से पीता है, जो आदत है वो, उसके ज़रिए अगर
पेट में पानी पहुंचता है तो भी रोजा टूट जाएगा। और अगर नाक से पानी पीता है जो आदत नहीं है, उसके जरिए भी अगर पेट में पानी चला जाए तब भी रोजा टूट जाएगा, इसलिए कि दोनों का मकसद एक है। मुंह से पानी पिए तब भी मकसद तग़ज़िया है, और अगर नाक से पानी पिए तो भी इल्लत तग़ज़िया है। लिहाजा इल्लत मुश्तरक होने की वजह से हुक्म मुश्तरक हुआ, दोनों सूरतों में रोजा टूट जाएगा, चाहे नाक से पानी पिए या मुंह से पानी पिए। अब यह नाक से पानी पीना जो आदत नहीं है, बैनी इंजेक्शन की तरह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इंजेक्शन नहीं था। अब जैसे नाक से पानी पीना, नाक से पानी पेट में डालना, इससे भी तग़ज़िया हासिल होता है, लिहाजा रोजा टूट जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई इंजेक्शन से भी बदन के अंदर, पेट के अंदर ऐसी चीज पहुंचाता है जो तग़ज़िया का बाइस बनती है, या इसी तरीके से ग़िज़ा उससे हासिल होती है, तो रोजा टूट जाएगा। और एक बात और ज़हन नशीन कर ली जाए कि अहले हदीस कयास और इजमा को मानता है, लेकिन कयास फासिद को नहीं, जैसा कि तुम लोग मानते हो। और अहले हदीस का यह भी मनहज है और अकीदा है कि कयास और इजमा ये दोनों किताब सुन्नत किताबें हैं। अगर कोई कयास किताब सुन्नत के खिलाफ है तो उस कयास को नहीं लिया जाएगा। कयास को हम मानते हैं और इस वजह से मानते हैं कि हदीस से साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर कोई घोड़ा अल्लाह की राह में तैयार करे तो उसका यह अजर है। किसी आदमी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, अगर कोई आदमी गधा अल्लाह के रास्ते में तैयार करता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े पर कयास करते हुए गधे का भी अजर वही बताया। लिहाजा इस तरीके का जो कयास है, कयास महमूद, उसको तो अहले हदीस मानता है, लेकिन कयास और इजमा को वो किताब सुन्नत जो कि असल मर्जा और माखज़ है शरीयत का, उससे ताबे मानता है, उसके ताबे मानता है। लिहाजा अहले हदीसों पर यह इल्ज़ाम लगाना कि वो मुतलक कयास के कायल नहीं है, इजमा के कायल नहीं है, ये लुजूम माल इल्ज़ाम है, इसका कोई कायल नहीं है।